आज का जबूर हमें खुदा की अजमत कुदरत और इसकी निजात के कामों की हम दो शना करने की तालीम देता है ये जबूर हमें सिखाता है कि हम पूरे दिल से खुदा की हम करें क्योंकि इसकी कुदरत और काम दुनिया भर में जाहिर होते हैं हमें ना सिर्फ अपने अल्फाज बल्कि अपने अमाल के जरिए भी खुदा की अजमत का ऐलान करना चाहिए इस जबूर में बयाँ किया गया है कि खुदा ने बनी सराइल को मिस्र से निकालने और दरिया को पार करवाने जैसे अजीम मोयज़ात किए ये हमें याद दिलाता है कि खुदा ने माजी में अपने लोगों को बचाया और आज भी वही कुदरत रखता है इस सबूर में ये जिक्र है कि खुदा ने अपने लोगों को आजमाइशों से गुजारा ताकि वो पाक और मजबूत बने ये सबक देता है कि हमारी जिंदगी में मुश्किल और आजमाइशे आती है लेकिन ये खुदा की तरफ से हमें मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। जब हम मुश्किल से निजात पाते हैं तो हमें खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए ये जबूर इस बात पर जोर देता है कि खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता और उन पर रहम करता है इस जबूर से हम सीखते हैं कि जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो हमारे दिल साफ होने चाहिए अगर हम गुनाह या बुरी नीयत अपने दिल में रखते हैं तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती खुदा का रहम और मोहब्बत हमेशा उनके साथ होती है जो उस पर भरोसा करते हैं हमें खुदा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वो हमारी दुआएं सुनता और हमें नजात देता है ये जबूर हमें खुदा की अजमत इसकी मौजाना कामों और हमारी जिंदगी में इसकी मुसलसल मौजूदगी का शुक्र अदा करने की तल्किन करता है उदावंत के जिंदगी बख्श पा कलाम में से जबूर नंबर छियासठ ऐ सारी जमीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मार उसके नाम के जलाल का गीत गाओ सत करते हुए उसकी तमजीद करो खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मुहिब हैं तेरी बड़ी कुदरत के बायस तेरे दुश्मन आजजी करेंगे सारी जमीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी वो तेरे नाम के गीत गाएंगे आओ और खुदा के कामों को देखो बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में मोहिब है उसने समंदर को खुश जमीन बना दिया वो दरिया में से पैदल गुजर गए वहाँ हमने उसमें खुशी मनाई वो अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं सरकश लोग तकबर न करें ऐ लोगो हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पाओ को फिसलने नहीं देता क्योंकि खुदा तूने हमें आजमा लिया है तूने हमें ऐसा ताया, जैसे चांदी ताई जाती है तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे लेकिन तू तो हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया मैं सोखने कुर्बानियाँ लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मिन्नतें तेरे हजूर अदा करूंगा जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकले और मैंने अपने मुँह से मानी मैं मोटे मोटे जानवरों की सोखनी कुर्बानियाँ मैं की खुशबू के साथ चढ़ाऊंगा मैं बैल और बकरे गुजरानूंगा ए खुदा से डरने वालो सब आओ सुनो और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा खुदा के पाकलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना सबके लिए बायस बरकत हो अमीन गॉड ब्लेस यू ऑल